हाय फ्रेंड्स, मैं हम सुविया हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। साथ संडे की शुरुआत बहुत बेहतरीन ढंग से हुई है। बहुत बड़ा संडे है जहाँ पर मैचेस है, फुटबॉल मैचेस है। यहाँ पर कलेक्शन बढ़िया चल रहे हैं और बहुत सारी चीजें आज होने वाली है। एनीवेज आपको बता देता हूँ, बिग बॉस का शायद फाइनल भी आ जाए, आई डोंट नो बट स्टिल। तो संजू के बारे में बात करता हूँ। संजू के बारे में बहुत बड़ी अपडेट आई है कि 300 करोड़ इस फिल्म में कमा लिए है, जो इस दिन की सबसे बड़ी न्यूज मैं कहूंगा। और अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो, और ये फिल्म 8वीं फिल्म बन चुकी है जिसने 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया है बॉलीवुड में। अगर हम इसमें बाहुबली 2 का हिंदी वर्जन इंक्लूड करें तो 8वीं फिल्म बन चुकी है। अगर बाहुबली 2 को हटा के देखें तो 7वीं फिल्म बन चुकी है 300 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली। चलिए आपको बताता हूँ इसके पहले कौन कौन सी फिल्म पहुंची थी। पीके पहुंची थी 2014 में, उसके बाद बाहुबली बजरंगी भाईजान पहुंची थी 2015 में, उसके बाद सुल्तान पहुंची थी 2016 में, दंगल पहुंची थी 2016 में, टाइगर जिंदा पहुंची थी 2017 में, पद्मावत पहुंची थी 2018 में, अब संजू पहुंच चुकी है 2018 में। ठीक है, अगर बाहुबली 2 की बात करें तो वो भी आई थी 2017 में पहुंच गई थी, नहीं 2017 में, सॉरी। अब यहाँ पर बात करते हैं संजू की कि कितने कितने दिन में से कितना कितना कलेक्शन किया है। 50 करोड़ 2 दिन में किए, 100 करोड़ 3 दिन में किए, 150 करोड़ इसने 150 करोड़ का आंकड़ा मैं मेंशन नहीं किया, हाँ 200 करोड़ इसे 7 दिन में किए और 250 करोड़ 10 दिन में किए और 300 करोड़ 16 दिन में किए। ये अपने आप एक बहुत अच्छा खासा कलेक्शन फिगर मैं कहूंगा आपको। और बहुत वक्त के बाद ये आंकड़ा आई थिंक रणबीर कपूर ने छुआ है और ये सेकेंड फिल्म बन चुकी है राजकुमार हिरानी की जिसे 300 करोड़ कमाई की है। मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया कलेक्शंस है और यहां से साफ साफ है कि इसने सुल्तान का रिकॉर्ड तो बीट कर दिया है, ये कंफर्म है। क्योंकि जो कलेक्शंस आएंगे 16वें दिन के वो अभी तक आए नहीं है, लेकिन वो कम से कम कहा जा रहा है कि 5 से 6 करोड़ या 6 से ऊपर होंगे। यानी कि जो 299 करोड़ तक का कलेक्शन था वो करीबन 305 करोड़ तक के आसपास जा सकते हैं। यानी कि पद्मावत का भी रिकॉर्ड बीट कर लिया है इस फिल्म में, जो 302 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब साफ है कि ये इस साल की सबसे हाईएस्ट ग्रॉसर भी बन चुकी है संजू फिल्म, ये आप मान के चलिए। अब यहां से इसकी निशाना है बजरंगी भाईजान जो 320 करोड़ का है, 320.34 करोड़। उसके बाद और दो निशाने इसके पास, पीके 340.80 करोड़ और टाइगर जिंदा है 339.16 करोड़। इन दोनों का भी रिकॉर्ड तोड़ने का दम रखती है फिल्म और ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा ही। एनीवेज आप कितने खुश हैं कि संजू ने एंट्री मार ली है 300 करोड़ क्लब में और खान्स को छोड़कर, और इवन आई थिंक रणवीर और अभी शायद भी इंक्लूड हो गए, दीपिका भी इंक्लूड, उनको छोड़कर ये फिल्म बन चुकी है 300 करोड़ क्लब में पहुंचने वाली एक बहुत बड़ी फिल्म। चलिए फिलहाल इतना ही। और हाँ, यहाँ से ये भी है कि मेरा प्रेडिक्शन अभी तक तो सही हुआ है। मैंने 290 से 310 कहा था बहुत पहले, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन गलत होगा क्योंकि इसके आगे भी कलेक्शन जाएगा। चलिए